अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट मैं देखता हूँ। आम हाँ, तो अस्थि यदि हम बोल रहे हैं तो इन दोनों में अंतर समझा आपको, अस्थि और आसीत में? महादेव, हाँ महादेव समझा। अस्थि का मतलब है, सो प्रेजेंट भी हो सकता है। हाउ आर हाउ यू, हम जैसे बोलते हैं ना हाउ आर यू, आर तो यू, दैट इज हाँ अस्थि। हाउ आर यू। आसित का मतलब हाउ हैव बीन, हाउ यू हैव बीन, सो करेक्ट। लाइक दैट, कैसे थे। ओके समझ गया। हाँ, तो नॉर्मली ये दोनों उपयोग कर सकते हैं हम, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ज्यादातर ओके आसीत हम तब उपयोग करते हैं जब किसी से थोड़े ज्यादा समय के बाद मिले, जैसे 1 महीने के बाद या 1 साल के हाँ बाद मिले, तब यू विल से कि हाउ हैव यू बीन, बिकॉज यू डोंट नो हाउ वाज देयर टाइम। हाँ बट किसी से नेक्स्ट डे मिले या नेक्स्ट वीक मिले तो अस्ति इज इनफ, बिकॉज नॉर्मली यू नो व्हाट इज हाँ गोइंग ऑन विद देम, राइट? तो आस हाँ है ना, तो तब आसीत की आवश्यकता नहीं है। तो अस्ति वर्क्स बेटर इन मोर सिचुएशंस, तो इसलिए अस्ति आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज कि भगवान का मतलब है आप, कथम इज कैसे, आपको ये हिंदी में मैं लिखता हूं तो ये समझ में आता है ना, नहीं तो मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूं। अरुण जी आपकी आवाज किधर है? हाँ महादेव, हाँ महादेव। आपके आसपास शायद कोई डिस्टरबेंस है इसलिए हाँ मेरा आपको मुश्किल पापा हो है, रहा है। थोड़ा बात कर रहा है इसलिए हाँ, चलेगा नॉइज चलेगा, कोई डिस्टर्ब। मुश्किल नहीं, आप जब बोलना चाहते हैं तो आप बोल लीजिए, मुझे वो डिस्टरबेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ तो ठीक एक बार मैं है, चारुलता जी को भी तब तक लगा के देख लेता हूँ, क्योंकि उनका कल कॉल भी आया था तो अब, लेकिन तब बात नहीं हुई, अभी फिर से मैं लगा के देखता हूँ, जस्ट 10-15 सेकेंड्स में होपफुली हो जाएगा, देखते हैं, उठाना चाहिए फोन। नमो नमः चारुलता जी, आप कक्षा में आएंगी आज? अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बाद में फोन करता हूँ फिर, अभी हमारी कक्षा चालू हो चुकी है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए, जय श्री राम, नमो नमः। ओके, वो उनकी कोई गीता वाली क्लास भी चलती है ना, उनकी कोई गीता वाली क्लास भी थोड़ा चल रही सा। है, भगवत गीता वाली। हाँ ठीक है। हाँ, वो भी चल रहा है महोदय। तो ये आपको अर्थ समझा कि भगवान मतलब आप, हाँ कथम महोदय इज समझा। कैसे, और फिर अस्थि कैसे अति हमने कहा। मतलब है और आसित का मतलब हाउ हैव बीन हाँ बीन। हाँ हैव यू बीन, तो भगवान जब मैं पूछूंगा आपसे या आप मुझसे पूछेंगे तब आप पूछेंगे भगवान कथम हाँ अस्ति, ठीक है, महादेव, लेकिन इसके उत्तर में आप क्या बोलेंगे? उत्तर में अच्छे है, सो हाँ, इसको तो या तो आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि उत्तमम, उत्तमम। हाँ ठीक महादेव है, उत्तमम, उत्तमम इज का मतलब है कि हाँ अच्छा अच्छे, अच्छा या फिर आप बोल सकते हैं उत्तमम अस्मि, अस्मि। हाँ महादेव, जैसे हाँ अस्ति जो होता है थर्ड पर्सन है, ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष जो इंग्लिश में थर्ड हम थर्ड पर्सन बोलते हैं ना, जो पर्सन कहते हैं, इधर उत्तमम इज अ फर्स्ट पर्सन। हाँ, तो अस्मि जो है उत्तम पुरुष है, उत्तमम नहीं है, अस्मि फर्स्ट पर्सन है। अस्मि, अस्मि सॉरी महादेव, ओम अस्मि जैसे अस्ति प्रथम पुरुष है, वैसे अस्मि हम खुद के लिए बोलते हैं, मैं हूं, तो हूं उत्तम। वाला जो एक्सप्रेशन है ना, हूं बोलते हैं जो, हाँ मैं हूं,
तो अच्छा हूँ, उत्तम अस्मि, मैं अच्छा हूँ, ठीक है। और इसको और भी पूरा करने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं, अहम उत्तमम अस्मि। तमाम अहम उत्तमम भी चलेगा, है ना? हाँ, अहम उत्तमम भी चलेगा, अस्मि ऑप्शनल है, वो हमेशा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जब उत्तर आप देंगे तब आप भवान नहीं बोल सकते, क्योंकि भवान तो आप के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ तो आप बोलेंगे हेलो, अहम उत्तमम या अहम उत्तमम अस्मि या सिर्फ उत्तमम, उतना भी चलेगा, वो आपकी उत्तम चॉइस है, दोनों में से क्या बोलना चाहते हैं, वो दोनों चलता है। ठीक है, चलिए, महोदय। ये समझा, क्योंकि आप, और पिछली क्लास में हम ये पढ़े थे क्या, डायरेक्शंस हाँ, पिछली कक्षा क्या? में हमने, वो तो शायद हमारी बैच वन वाली कक्षा थी। वन वन के साथ किए थे? हाँ हाँ, हाँ तो हाँ वो वन आज के साथ। शाम को करेंगे, उसमें आगे चलेंगे। और आज 4:30 बजे, मतलब इसे कैसे बोल सकते अभी हैं, तो 5 मिनट है, चतुर्वादने, सार्ध हाँ चतुर्वादने। चतुर शारदा चित्रवादने स्ट्रिंग 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 सिया हाँ, वीडियो को क्या बोलते हैं महोदय? चलचित्र, चित्रम, चलचित्रम। चलचित्र, ओके, चलचित्र आ रहा है को गच्छामी बोल सकते हैं ना? गच्छा, गच्छति, आगच्छति, गच्छति मतलब जा रहा आगच्छ, है, और आगच्छति मतलब हाँ आ रहा है। ओके, आगच्छति आगच्छति महोदय। सार्ध सप्त चतुर्वादने परिणे श्रृंगस्य चलचित्र, प्रिंगस्य, चलो लिख हाँ लेते हैं यहाँ पे, चलचित्रम। चलचित्रम आगच्छति। गच्छति, उत्तमम उत्तमम। हाँ, अहम जानामि, हाँ हाँ अहम आप ऐसा ही लाइव जानामि, में प्ले कर लीजिए। अहम जानामि। जाना मैं 1 मिनट महोदय। हाँ महोदय, क्षमस्व। तो आ गया क्या? अभी शायद आने वाला होगा हाँ अभी। नहीं, 3 मिनट के बाद आएगा, वही थोड़ा साउंड ज्यादा था इसलिए कम करने को लो बोला टीवी का। ओके, करो महोदय, एक और चीज बोलना था मैं, हाँ, बोलो। ये न्यूज है, कुछ नहीं और कुछ नहीं। अब तिरुपति पता है ना आपको? तिरुपति, हाँ, उधर इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शंस में वोट डालते हैं ना। इधर ऑलरेडी एक रूलिंग पार्टी है, वो जो तिरुपति YSRP। को खराब कर, हाँ, आपको पता है अच्छे से अरे, मुझे सब पता है। वो, हाँ, उधर रत्न प्रभा जी बीजेपी का है रत्न प्रभा वोट, हाँ NTR हाँ के रत्न फैमिली प्रभा, के हैं क्या वो? वही होंगे मुझे लगता है, तो अब बीजेपी में है वो, हाँ, ओके। वो बीजेपी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो ACP क्या किया, एक दूसरे गांव से बसेस में लोगों को लाके, मतलब पोलिंग, हमको पोलिंग एरिया में इतना वोट, इतने वोटर लिस्ट को पता चल जाएगा, हमको ऑनलाइन ही मिल जाएगा इसे, वोटर लिस्ट है। So, उसे लेकर फेक वोटर्स को बुला के 5,000 दे के एक एक को उसके ओ, उखाड़ दे के जाके वोट डालवाया। वो तो चोरी, वो
कोट चोरी किया, हाँ वो सुबह ही कर लिया सभी, डे में नहीं सुबह ही। वो जब सुबह होने का बाद सारे लोग आते हैं, ज्यादातर लोग आए, डालने को देखा उनके वोट गिर गया, पढ़ना पाता नहीं। ओके ओके, तो वैसे मालूम ऐसा हो गया था। और डे में भी थोड़ा वो के लिए उसे पकड़कर उसका रेशन वही वोटर आईडी लेके उसका माँ बाप का नाम पूछा तो वो भी नहीं पता। वो दूसरा नाम बोलते हैं, इधर कार्ड में दूसरा नाम होता है। अब गंदा कर दिया है महोदय। और टेक केयर हो गया। ड्रीम्स को स्वप्नम कहते हैं ना संस्कृत में, स्वप्नम, ठीक है, स्वप्नम, स्वप्न। और स्वप्नम देखो अभी, हाँ हम वो भी सीख सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ओके, खगः बालकम् पश्यति, इसका क्या अर्थ है पहले तो आप ये बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं। पश्यति का मतलब देखता है, बालक, बालकम, बालक का देखता है, बालक को, हाँ बालक को, ओके, को बालक को देखता है। खगः मतलब बालक क्या देखता है, नहीं 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 बालक को है इधर। हाँ, तो कौन बालक को देख रहा है? का मतलब, खगः का मतलब क्या है? पक्षी, पक्षी, ओके, खगः मतलब कोई भी बालक पक्षी, हाँ पक्षी बालक को देख रहा है ना, इतना समझा? हाँ ठीक है। अब आपने यदि हिंदी या तेलुगु में भी ऐसा व्याकरण के नियम होते होंगे मेरे ख्याल से, आप मुझे बता सकते हैं, पर हिंदी में भी तेलुगु होता है और कन्नड़ा संस्कृत में भी होता है, तो कन्नड़ा में भी, हाँ कन्नड़ा में भी, तो खगह जो ग्रामर है, तो मैं ज्यादा कन्नड़ा सीखा तेलुगु से ज्यादा। ओह अच्छा अच्छा मतलब छोटे से वक्त से कन्नड़ा ही सीखता था। उत्तमम, तो फिर आपको ये दोनों तीनों चीजें समझ में आएंगी कि खगह जो है यहाँ पे करता है, करता, कर्मा, करता, कुछ तो जो भी काम कर रहा है वो कर्मा, करता है, वो करता जिसके है, जो ऊपर काम काम हो रहा है है, उसको कर्मा, कर्मा, काम कर्म नहीं है, कर्तृ जिसके भी, ऊपर काम हो रहा है वो कर्म है, इसी को कर्तृ भी कहते हैं, कर्म, ओ कर्त्रिया है हम हो गए, जिसके ऊपर कार्य हो रहा है कर्त्र, वो कर्म है। और पश्यति जो है वो क्या है? कर्तृ, क्रिया, क्रिया, क्रिया है, क्रिया, 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 हाँ महोदय, ठीक है। तो अब ये ध्यान देने की चीज है कि कर्म जब भी हम उपयोग करते हैं तो अधिकतर कर्म पे ये अनुस्वार या वो जो म के साथ हम लिखते हैं वो आता है, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, जैसे खगः बालकम् पश्यति या बालकः पुस्तकम् पठति, पुस्तकम पठति, आम हले, तो इसमें भी, पुस्तकम इसमें, पठति, हाँ तो इसमें कर्ता कौन है? इधर कर्ता बालक है और क्रिया पठति कर्तृ जो है वो पुस्तक है, पुस्तक हाँ, कर्म है, कर्म, कर्म पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, कर्म के ऊपर आपने अनुस्वार देखा, बालक हमने पुस्तक, क्रिया किया, हाँ पुस्तकम पठती, ठीक है, पठती अनुस्वार, पुस्तक को पढ़ रहा है। तो अब हम जो संस्कृत का चमत्कार है यदि उसको यहाँ पे लगाएं, तो संस्कृत का चमत्कार आपको ध्यान में है कि यदि हमने किसी भी शब्द का क्रम बदल दिया, हाँ वही बालकम सेम आता था, खगह खगह पश्यति, पश्यति, तो अभी भी वही हो रहा है कि बालक हाँ को, हाँ बालक को पक्षी देखता है, देखता है,
यदि आपने लिखा पश्यति बालकम् खगः, तो भी वही है, देखता है बालक को पक्षी देखता है बालक को पक्षी। है ना। तो ए अब हम पिछली यहाँ वाला पे था तो बालक को पक्षी देखता है। हाँ हाँ, और अब हम यहाँ पे एक बना भी देते वही हैं। है, पक्षी अस्या पक्षी पक्षी को एरो मार्क डालते हैं। तो बालक, यहाँ पे बालक बना देते हैं एक। समझा दे, ये तो सिंपल सा बालक है, और देखो अब पक्षी जो है बालक को देख रहा है। देख रहा है, आंख में आंख लगा के देख रहा है। और वो बालक के हाथ में बंदूक भी है, ऐसे बालक भी होते हैं थोड़े। हाँ नहीं, पर ये वाले बालक के हाथ में जस्ट एक ऐसी डंडा है और कुछ भी वाले खाना नहीं। बीज डाल रहा है। हाँ, तो पश्यति बालकम खगः, तो अभी भी वही अर्थ है कि पक्षी जो है वो बालक को देख रहा है। देख रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम यदि हमको उल्टा लिखना है कि बालक पक्षी को देखता है, तब आप क्या लिखोगे उसको यहाँ पे लिखेंगे? कहा पश्यम पश्चिम पश्चिम आता है, बालक कच्छति होता है। मुझे बालक फिर से बोलो। कहा खगम पश्यति। हाँ, बालक। तो अब आपने देखा कि जिस जो कर्म है, कर्म यहाँ पे बदल गया, तो हाँ इसलिए महोदय, अनुस्वार जो है अब खगम पे आ गया। हाँ खगम तो यदि आप ये दोनों वाक्यों को पढ़ रहे हैं कि बालकः खगम पश्यति या फिर बालकम खगः पश्यति, ये वाला या फिर ये वाला, तो आपको देख के समझ में आएगा कि जहां पे खगम है या बालकम है, जिधर भी वो कर्म आ रहा है उसके ऊपर काम हो रहा है, मतलब उसको कर्म देख रहा है। काम हो रहा है, देख रहा है। हाँ मालूम तो यहाँ पे बालक होते पश्य पक्षी को देख रहा है, और इधर इधर नीचे पक्षी बालक को देख रहा था। को देख रहा है। हाँ महोदय, ये अंतर समझा? बहुत सरल सी चीज है, पर ये कई बार हम पढ़ने के समय हम कई बार उल्टा पढ़ लेते हैं। मतलब आपको यदि पढ़ने में आया कि हाँ। बालकम खगः पश्यति, तो आपको लगेगा वो बालक। एक अनुस्वार नहीं है तो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आप बालकम में अनुस्वार चला गया, बालक खगः पश्यति, सो मीनिंग कैसा होगा? मीनिंग हो ही नहीं सकता ना, वो तो मतलब व्याकरण के अनुसार वो स्टेटमेंट गलत है, पर हम अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? खगह, आप ये बोलना चाहते हो खगः खगह? बालक पश्यति, तो तब क्या हो जाता है? मीनिंग कैसा होता है सिस्टमैटिकली, असली मीनिंग उसका? हाँ, तो इसका कोई मीनिंग पहले तो है नहीं, क्योंकि बालक संस्कृत शब्द ही नहीं है। आप या तो खगह तो नहीं है वो। पक्षी है, ओके लेकिन बालकह या बालकम कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। यदि आप बोल रहे हैं खगह बालकह पश्यति, ठीक है, तो इसका मतलब है खगह भी करता है और ये भी करता है, दोनों करता है। हाँ, वही करता ठीक है, तो अब दोनों करता है मतलब करता कर्म। पक्षी और बालक दोनों देखते हैं, वो भी बोल सकते हैं खगह लास्ट बालकः, सिर्फ बीच में में चार लिखना च बस, लगाना पड़ेगा, चार च पश्यति। तो चार अब दोनों के दोनों कहीं तो देख रहे चार हैं। पेड़ पर देख रहे हैं, हाँ, तो वृक्षम पश्यति। तो वृक्षम, सरोवरम, जलम, कुछ भी जलम एक कर्म
आएगा तो और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। खगः बालकः च, सूर्यम बोला तो सूर्य को, हाँ, जलम या सूर्यम या वृक्षम पश्यति। लेकिन अब वहां पे पश्यति नहीं आएगा क्योंकि पश्यति जो है एक वचन है, हाँ हाँ महोदय ठीक है? तो पश्चे तब आएगा पश्यतः, पश्चे तीतः अन्ति, द्विवचन पश्यति पश्यतः द्विवचन पश्यन्ति। तो यदि दो पश्यन्ति से ज्यादा होते तो पश्यन्ति आता, लेकिन अभी दो हैं, खगः और पश्यन्ति बालकः दो लोग हैं, दो अलग अलग, तो इसलिए पश्यतः आया, ये द्विवचन है। पश्यति पश्यति पश्यतः पश्य पश्य आपको वो द्विवचन। तालिका याद है, हमने एक बार बनाई, हाँ ये वाली, हाँ पढ़ा रामः पठति, रामौ पठतः, मतलब यदि दो हैं तो पठतः, और दो से ज्यादा हैं बहुवचन में तो पठन्ति पठन्ति। पठन्ति पश्यन्ति। तो ये वाली जो तालिका है, निजं प्रोवीति गणः रुचितसाम चारितनाम तुसदैव और ये श्लोक जो है गलत है। ये हमने पिछली बार एक बार बात किया था इसके बारे में कि क्यों गलत है, तब आप थे क्या कक्षा में? गलत का पता नहीं, पर गलत इन इसका दस, बारे में बोलते थे, सो मैं इस श्लोक को पढ़ा एक बार बस। हाँ, गलत इन द सेंस ये ग्रामेट व्याकरण से गलत नहीं है, और इसका उपयोग, असल में इसका उपयोग गलत है। मतलब कि ये श्लोक जो है, यदि हम अभी अभी ये 1 महीने पहले ही एक विद्वान है, उन्होंने बताया, भारतेंदु करके एक वेबसाइट है, भारतेंदु.org है शायद या .com है, तो उन्होंने बताया कि इस श्लोक को किसी भी हमारे वेद पुराण उपनिषद कहीं पे भी नहीं मिलता है ये श्लोक, ठीक है? लेकिन ये श्लोक कहाँ पे है? हितोपदेश में। हितोपदेश किधर हितोपदेश जो है पंचतंत्र की तरह एक ग्रंथ है, जिसमें स्टोरी? ओके जानवरों हाँ के मदद पंचतंत्र से उस, स्टोरी इसमें होता हाँ, तो जिसमें कथा कहानियां हैं छोटी छोटी, और वो भी जंगली जानवरों के ऊपर, मतलब उसमें सिंह है, हिरण है, खरगोश है, बंदर है, ऐसे सब जानवर हैं, और वो लोग अपने, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल तो उसमें हितोपदेश में किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होता है मॉरल। कि जब भी कोई गलत इंसान या गलत प्राणी आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तब वो ये श्लोक का उपयोग करता है। समझे आप? तो जैसे एक हिरण था और एक कौवा था, वो दोनों मित्र थे, लेकिन एक दिन एक सियार आता है, सियार मतलब हाइना ओके या हाइना जैकल, जैकल नहीं, जैकल हाइना नहीं, जैकल नहीं, नहीं हाइना नहीं ही नहीं है। वो हाइना वो जो ग्रुप ग्रुप में आते हैं, अटैक करते हैं, हाँ चिढ़ाते हैं हाँ सबको वही भी। वही, जो वो आवाज भी निकालते हैं ना, वही है। हाँ, मैं डरा रहा था तो ऐसा हाइना बहुत की, अच्छे से डरा हाँ, वो बहुत डरपोक भी होता है, बट ग्रुप में आता है तो वो था थोड़ा, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, तो वो वो आता है थोड़ा हिरण, ज्यादा। उसको हिरण पसंद आता, मतलब उसको लगता है कि ये बड़ा खाने में बहुत टेस्टी होगा, लेकिन उसके लिए तो वो शिकार है, तो वो उसको कैसे खाएगा? तो वो क्या करता है कि वो हिरण को आके बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, और जब बोलता है तो हिरण को भरोसा नहीं होता, वो बोलता है कि तुम तो मेरे को खाने वाले लोगों में से हो, तो तुम मेरे दोस्त कैसे बन सकते हो, मैं तो नहीं मानता। तब वो ये उपदेश, ये वाला श्लोक बोलता है वो सियार, वो है ना, कि वसुधैव कुटुंबकम बोलो, सो दैट कि हर कोई मेरा भाई है, हर कोई मेरी बहन है, सब एक ही परिवार में है, ऐसा बोलते हैं। निजं प्रोवीति गणना लघुचेतसाम
तो वो उसको बुद्धू बनाने के लिए ये श्लोक का उपयोग करता है वो। ये श्लोक को बहुत स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, गलत हाँ, और वो गलत है, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट यदि समझा जाए कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट उसका ये है कि जब भी कोई गलत आदमी उस अपना इंटेंशन हाइड करने के लिए, अपना जो उसका मन में है वो छुपाने के लिए इसका ऐसा ये बोलता वाले है श्लोक का आपने, उपयोग करता है, उसका प्रयोजन सो दैट वो सेल्फिशनेस के आपके लिए घर में बोलता। घुस सके कि चलो अब हम आपके घर। हाँ ठीक है, तो ये वो हाँ लोग घर ज्यादा उपयोग करते हैं जिनको अपना इंटेंशन छुपाना है। तो इसीलिए हमको ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार वसुधैव करना चाहिए, कुटुंबकम जो है ये पर ये गलत है। पॉलिटिशियन सभी इसे यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, तो जब भी अपन, अब हमको पता चल गया हमारे ना, तो वसुधैव अब हम जब भी कुटुंबकम, सुनेंगे तो हम इसको दूसरों को भी बता सकते हैं कि ये वसुधैव कुटुंबकम जो हाँ भी उपयोग कर पर रहा है। इंटरनेशनली इसका हाँ वो समझ, वो क्या समझे ना, वो गलत कॉन्टेक्स्ट है। हाँ हाँ, कि सब हमारे भाई बहन है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बाकी जैसे आप हाँ मुस्लिम मुस्लिम सोचो, क्रिश्चियन सोचो, वो लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। सोचते हाँ हम तो वहां हम पहले ही क्यों सोचते रहे, उनके लिए तो। हम ऐसा सोच लिए थे, हाँ, इसीलिए अब ऐसा है। इवन वो हिंदी चीनी भाई भाई ये जो भी है वो, तो वो सब भी गलत है, हिंदी वो भी इसी से निकल के आया है और राहुल पप्पू ने, पप्पू ना। तो अब आपको समझा कि ये श्लोक क्यों नहीं उपयोग करना चाहिए। कॉमेडी वाला राहुल गांधी अच्छा, कौन सा? वो है ना, वो तो हाथ रखते ना ऐसा रखता हाँ अरुण जी, वहां, ये वीडियो का लिंक विनोद भैया अभी डाले, हीरोज वर्सेस हीरोज कॉन्टेसी। अच्छा आ गया ना। हाँ, मुझे भी दिखा, यहाँ पे आया था अभी। आ जाए हाँ, अभी लिंक ऊपर से नीचे कर दिया देगा। प्रचम है ना, प्रचम उसका डॉक्यूमेंट्री, वो कब से रिलीज हो सकता है आपके हिसाब से? प्राचम में तो टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1 ईयर लगेगा, बिकॉज अभी तो उनकी फंडिंग सभी जमा हो गई डॉक्यूमेंट्री है। बनाते हैं या एक एक को? नहीं हाँ, वो अच्छे बना रहे हैं, वो 10 मूवीज का सीरीज बना रहे हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे वो है टॉपिक्स, मतलब हमारे हिस्ट्री को लेके, देन डेटिंग ऑफ रामायण, देन डेटिंग ऑफ महाभारत, देन डेटिंग कंपाइलेशन ऑफ वेदर्स, देन हाँ द ग्रेट किंग्स ऑफ भारत, देन देर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, देर आर 10 सेपरेट टॉपिक्स, वो प्राचीन की वेबसाइट में आपको दिखता है, मतलब वो वो बनाए। 10 डॉक्यूमेंट्री से एक ईयर में कंप्लीट करते हैं या नहीं तो उसको भी ज्यादा टाइम लगेगा? देखेंगे कैसे होता है, हाँ मुझे हाँ हाँ लगता है कि 1 ईयर में दो तीन भी आए तो शायद बहुत है, बट आई डोंट नो इफ दे आर प्लानिंग ऑल 10 इन द सेम ईयर, यदि वो ऐसा करेंगे तो भी अच्छा है, और इफ इट इज अ डिटेल्ड हाँ मूवी मैं तो देन मे ईगरली बी वेट कर वन रहा इन एन ईयर हूँ। ऐसे शायद आएगा, 1 मूवी इन एन ईयर मे बी, आई डोंट नो। उनको मैसेज डाल के पूछ सकते हो, प्राच्य वालों को, इफ यू वांट, बट जो उनका ट्विटर में इंटेंशन यार है दैट इज अ कितने, गुड गुड थिंग दैट दे आर डूइंग, या ऑफ कोर्स तो अच्छी मोहल्ले चीज है। स्ट्रिंग में भी पहले एक टाइम पे हम लोग ये प्लान कर रहे थे, एक्चुअली विनोद जी एंड देयर वर फ्यू मोर पीपल हु वर वर्किंग ऑन दिस, आई थिंक इवन पारिजात अन्ना वाज वर्किंग ऑन दैट, बट समहाउ दैट गॉट लॉस्ट फॉर नाउ, आई थिंक और दैट नाउ इज इज वेरी द डिफरेंट इम्पोर्टेंट। वर्क एक्सपोजिंग लिबरल्स हाँ, लेफ्टिस्ट। तो स्ट्रिंग हैज टेकन दैट काइंड ऑफ वर्क राइट नाउ, जहाँ पे एक्सपोज करने का वो काम है, हाँ पर और ठीक है, बहुत ही हुएवर अच्छा इज काम है। गुड एट व्हाट एवर दे डू वो करना चाहिए। तो अब ये एक्सपोज करने का स्ट्रिंग का एक्सपर्टीज है, अच्छा काम करते हैं, तो लेट देम डू दैट उन्होंने, और दूसरे बहुत वो लोग श्याम हैं। शर्मा शो भी है ना,
तो कितने हो गए? पहला महीना चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, का ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, भाद्रपद भाद्रपद, अश्विन, अश्विन कार्तिक। फिर मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष एंड कौन सा होगा? फिर पौष, माघ और फाल्गुन फाल्गुन। जो अभी आपने फाल्गुन बोला ना, वो आती है। तो वो हमारे जो वर्ष होता है हिंदू वर्ष, उसमें फाल्गुन जो है आखिरी मंथ मंथ है। आखिरी चैत्र जो है, मतलब मुझे पता नहीं कि ये आषाढ़ और ये मंथ्स का अब मैं और आगे बताता हूँ। तो हर महीना जो है पंचांग में यदि आप देखेंगे तो कोई भी तारीख को ये लिखा होगा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जो भी अभी चल रहा हाँ होगा। और उसमें ये भी लिखा होगा क्योंकि जो हमारा महादेव, एक बात चीज़ है, मतलब एक ईयर होता है ना नॉर्मली, जो वेस्टर्न ईयर नहीं है, तो नॉर्मली हमारा युगादि से स्टार्ट होता है, पर करेक्ट। युगादि से जब स्टार्ट होता है सो एक एक मास को क्यों उसी पीरियड में दिया नाम? चैत्रा को एक स्पेसिफिक पीरियड में दिया, मतलब अर्थ रोटेट करता है ना, सो तब हाँ, तो ये असल में नक्षत्रों के हिसाब से, तो ये जो अलग अलग मास हैं, हाँ जो ये जो बोलते हैं नक्ष आषाढ़ में शादियां नहीं कर सकते, सो उसका भी कोई रीजन होगा। हाँ वो आएगा, वो थोड़ा एडवांस चीज है। वो जब हम अपने मित्र मेरे मित्र से बात करेंगे जो ज्योतिषी भी है, तब हम उससे ये सवाल प्रश्न तो तब पूछेंगे। कुछ अर्थ का ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं ना? हाँ, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि आषाढ़ के समय बारिश चालू होने वाली होती है, तो थोड़ा हाँ डिस्टरबेंस ज्यादा हो सकता है उस समय, मौसम भी बदलता है। तो ओके, पर और भी सो कारण हो इसकी सकते हैं। वजह वो ज्योतिषी मित्र जो है, हम उस आप ये प्रश्न लिख के रखो कहीं पे कि आषाढ़ में शादी नहीं से। करते ऐसा बोलते हैं जो। पर अभी मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ कि जो चंद्रमा के साइकिल्स हैं, हाँ, जैसे एक, 28 डेज है ना, हाँ, तो ये है 28 डेज। अमावस्या, हाँ यार, ब्लैक मून जो मैंने यहाँ पे बना दिया वो अमावस्या अमावस्या, में दिखता नहीं और चांद, ये जो फुल मून है ये पूर्णिमा है। वो कितना है? 18 दिन है ना उसका, पता नहीं मुझे, भूल नहीं, गया 15 दिन मैं, ही है, 26 और आठ। अराउंड 14 to 15 days ही होता है, ओके ओके ओके, लेकिन टाइम वही वाइज कंफ्यूज। बदलता है, तो वो हर महीने थोड़ा थोड़ा बदलता है। फिर पूर्णिमा ओके, के बाद फिर से वो थोड़ा छोटा छोटा होना चालू हो जाएगा, फिर फिर से हाफ होगा, रिवर्स फिर आ थोड़ा जाएगा। और छोटा होगा, ऐसे चलेगा, राइट? तो ये पूर्णिमा के बाद का जो टाइम है इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ओके, और इस लेफ्ट को अमावस्या, क्योंकि कृष्ण पक्ष मीन्स, कृष्ण मतलब क्या? कृष्णा मतलब हमारा खाने। ब्लैक। उनका नाम कृष्ण क्यों है? ओके, क्योंकि वो ब्लैक है ना, डार्क कलर के थे वो, उनका स्किन भूल जो था गए थे, डार्क मुझे था। पता भी नहीं महोदय, कृष्णा मतलब ब्लैक होता है। ओ माय गॉड, तो कृष्ण पक्ष इसलिए आज है बहुत क्योंकि उस वैल्यू। समय चंद्रमा छोटा होता जा रहा है, दैट मींस ये ब्लैक बढ़ता तो जा रहा है ब्लैक ना। होता जा रहा है। हाँ, और वैसे ही अमावस्या के बाद जो होता है तो चंद्रमा बढ़ रहा है, उस समय इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो उसको बोलते हैं उसको क्या शुक्ल बोलते हैं? पक्ष। शुक्ल शुक्ला पक्ष। ओके, अब थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, शुक्ला मीन्स वाइट। पक्ष, राइट। सो टोटली हमको कवरिंग 26 डेज हो जाएगा, है ना, फिर से अमावस्या आने में, हाँ, अराउंड 28 days। ट्वेंटी तो एट वो डेज टाइम पे डिपेंड ओके करता है, वो हम अभी उतना चिंता नहीं करेंगे। पर पंचांग में आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों दिखेगा, और हर पक्ष में ये पहला दिन जो है प्रथमा, फिर दूसरा दिन द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे करके होता है। तो यदि आपने सुना एकादशी, तो पंचमी का मतलब पांचवा दशक।
हाँ पांचवा दिन अमावस्या के बाद से पांचवा ओके पांचवा दिन तो पंचमी अष्टमी सप्तमी षष्ठी भी बोलते हैं ना वो सिक्स्थ का क्या बोलते हैं हाँ षष्ठी आज जैसे षष्ठी है षष्ठी ओके आज षष्ठी है षष्ठी षष्ठी को ऐसे लिखते हैं ये हाँ हाँ षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी सो हमारा दशमी क्या आ सकता है अब पंचमी षष्ठमी सप्तमी अष्टमी इस महीने में नवमी रामनवमी जो आने वाली है परसों 21 अप्रैल को है वो रामनवमी हाँ हाँ वो रामनवमी दशमी में आता है या कब आता है अब उसका नाम ही है रामनवमी तो वो नवमी है ना नवमी मींस नाइंथ डे हाँ वो नवरात्रि जो स्टार्ट हुए थे ना हाँ करेक्ट नवरात्रि नवरात्रि के बाद नवमी रामनवमी ओके तो बहुत ज्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन अब हम एक्चुअली पंचांग की क्लास जब करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा पर इतना आपको यदि समझ में आ गया तो हम बाकी का डिस्कशन आगे करते हैं बाद में अभी टाइम भी हो रहा है ठीक है तब मैं पूरा पंचांग को कैसे देखना है और अच्छे से कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सब और बताऊंगा तब आप तो पूरा एक घंटे का हम क्लास करेंगे और जो कृष्ण का मीनिंग पता चल गया ओ माय गॉड इसे सबको पूछूंगा वो जो होते है ना हमारा दोस्त सनातनी दोस्त उनको पूछेगा कि कृष्ण का मतलब क्या है वो गूगल इट करेंगे गूगल में आंसर डाल के हमको बोलेंगे नहीं चलो अच्छा वो इसी तरह की ज्ञान कैसे भी बढ़े कोई उसमें हानि नहीं है हमारे संस्कृति के बारे में सीख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है हाँ हाँ ना? बहुत ध्यान दे रहे हैं इंस्टाग्राम में पेजेस भी बना रहे हैं चलो तो पंचांग का मैं ये सेशन प्लान कर रहा हूँ करने वाला हूँ आप ओके आपको मुझे ऐसा लगता है कि संडे का आफ्टरनून अच्छा टाइम होता है देख ये ऐसा सेशन करने के लिए तो आपके मन में कोई और सजेशन है टाइम के लिए कि कब ये सेशन करना चाहिए तो आप मुझे लगता है महोदय वो हम संडे उस समय में हम ये की है तो और ज्यादा लोग आए तो बहुत अच्छा होता है उसी टाइम में हाँ ये हम पूरा नेशनल लेवल पे इनवाइट भेजेंगे मतलब ये पूरे स्ट्रिंग ग्रुप में पूरे भारत माता ग्रुप में ओके ओके फिर जो भी आना चाहे ठीक है ठीक जैसे एक बार हमने आ जाएंगे हवन यज्ञ यज्ञ विधि के लिए किया था एक पूरा सेशन 1 आवर का 2 आवर का कितना लोग आए थे तो उसमें ऑलमोस्ट 12 to 15 लोग आ गए थे ऑल ओवर इंडिया नॉट इंडिया ओनली ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन से कुछ लोग बाहर से भी आए 12 to 15 लोग हाँ बड़ा फर्स्ट टाइम था तो हम ऐसे 15 पैसे दे के एडवर्टाइजिंग तो कर नहीं रहे हम अपने ग्रुप्स में बताते हैं सबको जिसको इंटरेस्ट है वो लोग आ जाते हैं जैसे एक स्ट्रिंग वीडियो के ऊपर वो जैकेट नहीं खा रहा था टोपी वाला टोपी वाला को तो बहुत ट्रोल कर रहे हैं आईजी में तो एक पागल मेमर जी नाम का एक आईजी अकाउंट है वो डॉग मीम आता है ना हमारा